तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो देखो लॉन्ग रन में दो चीजें पॉसिबल होती है। पहला, दैट ऑल फर्म्स आर फ्री टू एंटर इनटू द मार्केट, और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो फ्री होती है मार्केट छोड़कर जाने के लिए। इसका मतलब देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। एक तो ये फीचर होता है लॉन्ग रन में, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरा, आपको ये याद रखना है दैट ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। इसका मतलब आप लैंड को भी बढ़ा सकते हो, लेबर को भी बढ़ा सकते हो, कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो लॉन्ग रन में। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी गुड्स की डिमांड राइज करती है, मान लीजिए किसी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, तो जैसे ही किसी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। और प्राइस इंक्रीज होने से, क्योंकि एक फर्म अगर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में है तो उसको मिलेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से फर्म को मिलेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये तीनों बातें आप दिमाग में दोबारा क्लियर कर लीजिए कि किसी, मान लीजिए फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में मान लीजिए किसी गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है इससे अट्रैक्ट होकर न्यू फर्म्स एंटर करेंगी मार्केट में, यानी कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो नई फर्मों को मार्केट में आने के लिए इंकरेज करेगा। तो जैसे ही नई फर्म मार्केट में आती है, अब सबसे पहले उनको क्या चाहिए होगा? इनपुट्स। उनको लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, इनपुट्स चाहिए होंगे। तो जो डिमांड ऑफ इनपुट्स है, इनपुट का मतलब किसी गुड्स को बनाने में जो चीजें यूज की जाती हैं, तो जो डिमांड ऑफ इनपुट्स है वो बढ़ेगी और उससे क्या होगा, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। लेकिन अब जो बात आपको समझनी है वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, कि डिमांड ऑफ इनपुट बढ़ रही है, इसका मतलब लैंड की प्राइस बढ़ा, कैपिटल बढ़ेगा डिमांड में, लेबर बढ़ेगा। मान लीजिए हम लेबर और कैपिटल मान लेते हैं कि लेबर की डिमांड बढ़ी और कैपिटल की डिमांड बढ़ी। अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, तीन प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। पहला, कि आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इक्वल है। इसका मतलब अगर आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हो तो जितना आपको फायदा होगा उतना ही आपको नुकसान होगा, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों के दोनों इक्वल है। इस केस में क्या होगा, बस इसको ध्यान से समझना है, कि जो इनपुट प्राइस है वो सेम रहेगा, क्योंकि डिमांड ऑफ इनपुट जितनी बढ़ी है उतनी सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो फायदा है काम करने का जब लार्ज स्केल पे काम करने का, और जो नुकसान हो रहा है काम करने का, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज वो है बराबर है, इसकी वजह से इनपुट और प्राइस सेम रहेगा। तो जो आप सप्लाई इंक्रीज करोगे इनपुट प्राइस सेम होने की वजह से, वो उतनी इंक्रीज कर सकते हो जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है, यानी कि जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी सप्लाई आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जो इनपुट प्राइस है वो सेम रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब है कि आप जब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होती, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। तो कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में हमारा कर्व कैसा बनेगा उसे आप ध्यान से देख लीजिए। सपोज कीजिए ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, डिमांड इसको नाम दे देते हैं D0 परफेक्ट कंपटीशन में, और ये हमारी सप्लाई है S0। ये नंबर वन माना देते इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इक्विलिब्रियम है। इस केस में क्वांटिटी थी Q0 और प्राइस थी P0। अब सपोज कीजिए कि जो डिमांड है गुड्स की वो राइज करती है, डिमांड राइज करती है शॉर्ट रन में,
तो ये अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट सेकंड हो गया, और प्राइस जो है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी P1, और क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी Q1। अब ये जो प्राइस बढ़ने से फर्म को मिलेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, इस एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से न्यू फर्म मार्केट में आएंगी और मार्केट में गुड्स की सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन हमने यहां पर एज्यूम किया है कि वी आर वर्किंग अंडर कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंटरेस्ट, इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हैं और जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो बराबर रहेंगी, जिसकी वजह से सप्लाई जो बढ़ेगी वो उतनी ही बढ़ेगी जितनी डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि जो सप्लाई इंक्रीज होगी वो बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो फिर से इक्विलिब्रियम वही हो गया स्क्रीन पर, यानी कि जो प्राइस है वो फिर से P0 ही हो गया, और क्वांटिटी जो है मार्केट में वो बढ़कर Q2 हो गई। यानी कि शॉर्ट रन में जो डिस्टरबेंस हुआ वो लॉन्ग रन में वापस में एडजस्टमेंट हो गया। अब अगर हम शॉर्ट रन में जो चेंज हुआ है उसको छोड़कर लॉन्ग रन में दिखा दें, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट सप्लाई कर्व है इस तरीके का, इसको बोलेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि इस तरीके का सप्लाई का हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके का हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरी प्रोबेबिलिटी की, तो पहली प्रोबेबिलिटी में हमने माना कि जैसे ही इनपुट की डिमांड बढ़ती है इनपुट का प्राइस सेम रहता है। दूसरी केस में मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम है, इसलिए हमारा जो इनपुट प्राइस है वो फॉल करता है। यानी कि फायदे ज्यादा हो रहे हैं नुकसान कम हो रहे हैं, इसलिए इनपुट प्राइस क्या होगा फॉल करेगा, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट। क्योंकि इनपुट प्राइस गिर रहा है इसलिए क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि इस केस में क्योंकि कॉस्ट आप जैसे ऐसे आउटपुट कर रहे हो आपकी कॉस्ट गिर रही है, इसलिए आप सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज करोगे एज कंपेयर टू डिमांड। तो देखिए इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इनिशियल इक्विलिब्रियम पहले की तरह ये मान लेते हैं, डिमांड है D0, सप्लाई है S0। इनिशियल इक्विलिब्रियम नंबर 1 जोड़ बोल देते हैं, क्वांटिटी है Q0, प्राइस है P0। अब मान लीजिए डिमांड इंक्रीज करती है, तो डिमांड इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो 2 होगा, क्वांटिटी राइज कर जाएगी, प्राइस भी राइज कर जाएगा, ये शॉर्ट रन में ऐसा होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो सप्लाई इंक्रीज होगी वो कहीं ज्यादा इंक्रीज होगी। सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी ज्यादा, क्योंकि हम डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई जो इंक्रीज होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी। तब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 3 नंबर पे आ गया, क्वांटिटी राइज कर गई और मार्केट में जो प्राइस है वो फॉल करके P2 हो गया। इस केस में अगर हम नंबर 1 को नंबर 3 से जोड़ दें तो इस तरीके का हमें सप्लाई कर मिलेगा जो कि डाउनवर्ड होगा, इसको बोलेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर, इस तरीके का डाउनवर्ड। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी कि हम अगर तीसरी प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसमें हम ये मान लेते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हमारी कम है, फायदे कम हो रहे हैं नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है, तो इस केस में जो इनपुट प्राइस राइज करेगा। तो जैसे इनपुट प्राइस राइज करता है आप इसे क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि आपकी प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इस केस में सप्लाई जो होगी वो इंक्रीज तो होगी लेकिन लेस देन डिमांड इंक्रीज। यानी कि जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उसके कंपेयर में जो सप्लाई होगी वो कम इंक्रीज होगी। तो मान लीजिए ये हमारा इनिशियल डिमांड है, इस तरीके से
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्राइस पी जीरो, क्वांटिटी क्यू जीरो। अब हम मान लीजिए कि डिमांड इंक्रीज होती है, ये डिमांड इंक्रीज हो गई, इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होने से अब जो आपकी क्वांटिटी है वो बढ़कर हो जाएगी क्यू वन, और प्राइस बढ़कर कितना हो जाएगा, पी वन। अब इस केस में इस रेड से बना रहे थे, अब इस केस में सप्लाई इंक्रीज तो होगी, लेकिन सप्लाई में जो इंक्रीज होगा वो थोड़ा कम होगा। तो आप देखिए नंबर थ्री पॉइंट यहां पर आ गया, इसका मतलब अल्टीमेटली प्राइस पहले से कंपेयर में फॉल कर जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो पहले से राइज कर जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड को मिला दें, इसका मतलब ये हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर हम समरी की बात करें तो आपको याद रखना है तीन केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। दूसरा क्या पॉसिबल है, दूसरा कहता है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, हमने इसी तरीके से ले लेते हैं। दूसरा है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, और तीसरा है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो इस केस में कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में इस तरीके का सप्लाई कर्व होता है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। इसी तरीके से डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में इस तरीके का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है, डाउनवर्ड, और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में इस तरीके का सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बराबर होती है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम होती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। इसको आप एक तरीके से और भी दिखा सकते थे, जिसमें फर्म का डायग्राम होता है, यानी कि फर्म के प्रॉफिट को भी हम उसमें दिखाते हैं। वो आप, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम ये पॉइंट को शामिल कर लेंगे। तो अभी मैंने जो ये बनाया है, ये बीकॉम प्रोग्राम के हिसाब से बनाया है, आगे फर्दर जरूरत पड़ेगी तो बीकॉम ऑनर्स के हिसाब से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।